राधे राधे सभी भाइयों को। दोस्तों बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड, परंतु दोस्तों इस मैच के बारे में बात डिटेल में बात करें। उससे पहले दोस्तों अभी कल के मैच की अगर बात करें, अर्शदीप को कप्तान बना करके और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी बना करके दोस्तों अभी लाइव रैंक जो वीडियो बना रहा हूं, अभी लाइव रैंक ग्रैंड लीग में हमारी चल रही है 3000, और स्मॉल लीग में भी दोस्तों दुनिया आपको बना कर जा रही थी जसप्रीत बुमराह को कप्तान, परंतु हमने एक भी टीम में कप्तान बना करके नहीं दिया दोस्तों स्मॉल लीग में। दोस्तों तो शानदार विनिंग होके जा रही एक तरफा दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक दो शॉट्स देख सकते हो स्क्रीन शॉट, बाकी डिटेल में अगर देखना है टेलीग्राम पर लिंक पड़ा हुआ है, लिंक पर जाकर के सीधी विनिंग्स देख सकते हो, साथ ही फाइनल टीम्स के लिए वहाँ से जुड़े रह सकते हो। दोस्तों इस मैच में हम बात करेंगे आज कौन से ट्रम्प खिलाड़ी होने वाले हैं। दोस्तों पहले हम इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के रिकॉर्ड देखें, क्योंकि पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये पिच नहीं होने वाली है, एकदम न्यू पिच होने वाली है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। तो नई पिच पे नया सिनेरियो बनेगा, और पिच की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये किंग्सटाउन का ये ग्राउंड दोस्तों दो मैच इस पे खेले गए, एक बैटिंग फर्स्ट वो खेला जीता है और दूसरी बैटिंग सेकंड ने जीता है दोस्तों। तो अगर पिच की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ बैटिंग फ्रेंडली पिच कम ही रहेगी, परंतु न्यूयॉर्क जितना बुरा हाल भी नहीं रहेगा दोस्तों, पहली बात तो ये है दोस्तों। परंतु पहला जो बैटिंग करेगा दोस्तों उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, फ्रेश पिच रहेगी तो उसका वो फायदा उठा सकता है, परंतु सेकेंड इनिंग में भी बैटिंग को इस प्रकार से फायदा रह सकता है कि ड्यूज आ सकती है, क्योंकि ये रात में मुकाबला होगा तो उसका फायदा भी मिल सकता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। स्पिन और पेसर्स दोनों को बराबर मदद मिलने वाली है इस ग्राउंड से, इस बात को समझ लें ध्यान से दोस्तों। तो आगे हम बात करें तो दोस्तों एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट 144 है, हाइयर स्कोर 152 पर साथ हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पर लोअर स्कोर बनाया है 135। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको फैंटेसी हर एक अपडेट्स पिच रिपोर्ट से लेकर हर एक जानकारी इस चैनल पर इस वीडियो में आपको मिलने वाली, साथ ही 6 टीमें आपको मैं अभी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसमें आपको ग्रैंड लीग के लेके स्मॉल लीग की एक एक चीज़ बताने वाला हूं। अभी मैं इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स की तरफ चलता हूं, उसके बाद मैं तुरंत चलता हूं, थोड़े से ही रिकॉर्ड्स हैं 2 से 4 प्लेयर्स के, उसके बाद सीधे फैंटेसी, क्योंकि ट्रंप खिलाड़ी होने वाले हैं, दुनिया जा रही होगी बांग्लादेश के प्लेयर्स के पास, परंतु आपको जाना है नीदरलैंड के प्लेयर्स के पास। तो दोस्तों 150 रन एक बार बना है, 150 से 169 एक बार बना है दोस्तों, और हेड टू हेड की बात करें वर्ल्ड कप में दोस्तों 2 बार बांग्लादेश और नीदरलैंड का मुकाबला हुआ, 1 बार नीदरलैंड नहीं जीती है, परंतु आज उलटफेर हो सकता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें, टीम उसी प्रकार से बनाए। टोटल अगर बात करें तो 4 मैचेस खेले गए, 1 बार नीदरलैंड भी जीती है, परंतु वर्ल्ड कप में 1 बार नीदरलैंड टीम नहीं जीती है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, साकिब 2 मैचों में 4 विकेट, पिछले मैच के हीरो रहे, परंतु इस मैच में आपको उस तरीके के हीरो नहीं दिखेंगे, ना ही कप्तान बनते हुए दिखेंगे दोस्तों, टीम में आप लेके जा सकते हो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। रहमान की बात करें आपके लिए शानदार होने वाले हैं, फर्स्ट इनिंग में कप्तान भी बना करके जा सकते हो, आपके लिए रहमान ट्रंप का काम कर सकते हैं, 3 विकेट लिए थे श्रीलंका के खिलाफ। अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो वही सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है दोस्तों, 2 मैच हरदोई ने खेले हैं, 77 रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा सेलिंग अगर किसी की है तो हरदोई की है, परंतु दोस्तों मुझे नहीं लगता कल हरदोई का बल्ला उतना खास चलने वाला है, उसकी जगह आपको संतों के साथ जा सकते हो। लिटन दास की बात करें 2 मैचों में 45 रन, महमूदुल्ला आपके लिए ट्रंप का काम करके जा सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 ओवर बॉलिंग से भी डालेंगे और बैटिंग से भी डालेंगे, 2 मैचों में 36 रन बना चुके हैं दोस्तों। करेंगे नीदरलैंड के प्लेयर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले, प्लेइंग 11 वही रहने वाली है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। टीम प्रिंगल, वियान किंगमा, मैकलेबेट, ये 3 खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प का कार्य कर सकते हैं दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा वो कैसे। लियान वान वीक 2 मैचों में 5 विकेट हैं दोस्तों, परंतु 45% सेलिंग है कप्तानी की, वाइस कैप्टनसी 25, तो ग्रैंड लीग में आप इनको कप्तान बनाएंगे, परंतु अगर इनको कप्तान बनाए तो 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए, तभी आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे, जब 2 से 3% वाले 10% तक के प्लेयर होंगे आपके पास। दाऊद की बात करें तो दोस्तों 54 की पारी खेली थी नेपाल के विरुद्ध, वही एक पारी आई है, अन्यथा कोई भी पारी नहीं आई है। एन ब्रिज की बात करूं तो दोस्तों 40 एक ही पारी आई है साउथ अफ्रीका के, शानदार पारी थी, काफ़ी टिकाऊ पारी थी दोस्तों, अगर कॉलैप्स होती है नीदरलैंड की टीम तो आप इनके साथ जा सकते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान। अब चलते हैं हम ड्रीम 11 ऐप पर सीधे, कैसी फैंटेसी की टीम आपकी रह सकती है दोस्तों पहली टीम आपके सामने है, पहला कॉम्बिनेशन ये तब का है जब आपको
बांग्लादेश की टीम पहले गेंदबाजी करती हुई दिखे, यानी कि नीदरलैंड टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन आप बना के जा सकते हो। इसमें आपको क्या चेंजेस करना है, वाइस कैप्टनसी जो यहाँ पर मैंने दी है दोस्तों, इस वाइस कैप्टनसी को चेंज करके दोस्तों बासबी लीडे को भी दे सकते हो दोस्तों, अहमद को भी दे के जा सकते हो। ट्रंप के तौर पर प्रिंगल जो कि आपके लिए 30% सेलिंग होगी दोस्तों, आपके लिए ट्रंप का काम करके जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखें। और यहाँ पर 30% ही किंगमा की सेलिंग रहेगी। ये दोनों प्लेयर हर एक के पास होंगे, परंतु आपको चूज़ अगर करना है तो इन दोनों में से चूज़ करना है, रोटेट करना है। और अब चलते हैं दोस्तों दूसरी टीम की तरफ। दोस्तों ये भी कॉम्बिनेशन तब का है जब आपकी टीम यहाँ पर नीदरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बन के जाएगा। लेवेट 5% का सेलिंग परसेंटेज है। आपको अगर किसी बैट्समैन को चुनना है नीदरलैंड की तरफ से पहले बैट करती हो दोस्तों, एडवर्स तो आपको रखना ही रखना है 50% टीमों में, ठीक। अगर आपको कोई प्लेयर चुनना है तो दोस्तों एम लेवेट और वी सिंह, इनमें से एक एक करके कॉम्बिनेशन में रोटेट करते जाइए और टीम बनाते जाइए। पहली इनिंग में अगर बांग्लादेश की टीम अगर करती है गेंदबाजी, तो आपको रहमान पर ही भरोसा जताना पड़ेगा, कैप्टनसी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 45% इनके पास है और इनके पास सिर्फ 5-6% सेल है, जो कि 5% ही लोग इनको बना करके जाएंगे इस तरीके से। अगर आप इनको बनाओगे तो कभी ग्रैंड लीग आप नहीं जीत सकते हो। इनके साथ अगर आपको इनके साथ जाना है 45% के साथ, तो आपके पास ऐसे 5% वाले प्लेयर कम से कम 3-4 होंगे, तभी आप कर पाओगे कुछ अच्छा। हसन की बात करें तो दोस्तों साकिबुल हसन को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, वो उसका किस कंडीशन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरी टीम आपके सामने है दोस्तों, इसमें भी अगर बांग्लादेश टीम पहले गेंदबाजी करती है तो इस प्रकार से बना के जा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको क्या करना है दोस्तों, कैप्टनसी यहाँ पे रहमान, वाइस कैप्टनसी साकिब को दोस्तों। महमूदुल्लाह को आप ड्रॉप करके किसी एक खिलाड़ी को यहाँ पर ले सकते हो, संतो को लेके जा सकते हो, हरदोई को भी ड्रॉप कर सकते हो दोस्तों। ये दो चेंजेस आप करके जा सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये टीम तब की है जब बांग्लादेश की टीम आपको पहले बल्लेबाजी करती हुई देखे, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपके सामने प्रकट हो सकता है दोस्तों, इस बात को ध्यान। अब आपको इसमें क्या कॉम्बिनेशन करना है, इसमें से दोस्तों आपको इन खिलाड़ियों में से 5 में से 1 को ड्रॉप करना है दोस्तों। मैक्रीन को आप ड्रॉप कर सकते हो, किंगमा को ड्रॉप कर सकते हो। मैं चाहूँगा आप इस टीम में, वो तब अगर पहले गेंदबाजी करती है दोस्तों नीदरलैंड की टीम, तो किंगमा को आप ड्रॉप करके जा सकते हो दोस्तों। वाइस कैप्टनसी बासबी लीडे को देके जा सकते हो दोस्तों। संतो हमारी टीम में है ही, हुसैन भी हमारी टीम में है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन अगर बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जा सकता है दोस्तों, आपके सामने प्रकट हो सकता है। शानदार कॉम्बिनेशन है ये, ग्रैंड लीग के लिए आपके शानदार रहेगा दोस्तों। तो मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय श्री राधे का नाम जरूर लें।